DDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. रेलवे सुरक्षा बल के स्टेशन पोस्ट ने एक गंदी बोतल में अशुद्ध पानी बेचकर यात्रियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले युवक को करीब आधा किलोमीटर दूर पीछा करके फिल्मी स्टाइल में धर दबोचा है, जबकि उसका एक साथी फरार बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोतीबाग निवासी इरफान असलम कुरैशी उम्र 22 वर्ष है और मोमिनपुरा निवासी शाहरुख उर्फ मुक्का उम्र 26 वर्ष फरार हो गया है। उसकी तलाश की जा रही है। आरपीएफ को मौके से रेल नील समेत अन्य ब्रांड की अशुद्ध पानी से भरी करीबन 93 बोतलें मिली है। वहीं 2 ड्रम, 17 खाली बोतलें, नीले और सफेद रंग के 272 ढक्कनों आदि माल जब्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीआई आरएल मीना को गुप्त सूचना मिली थी कि नागपुर हावड़ा रूट पर मोमिनपुरा परिसर में शिव मंदिर के पास झाड़ियों में फेंकी गई बोतलों में अशुद्ध पानी बेचकर आउटर पर रुकी ट्रेनों में बेचा जाता है। ऐसे में मीना ने अपनी टीम के साथ फील्डिंग लगाकर छापेमारी की। आरपीएफ को देखते ही इरफान पानी का ड्रम लेकर भागने लगा। आरपीएफ जवानों ने उसका पीछा किया तो वह ड्रम छोड़कर भागने लगा, लेकिन करीब आधा किलोमीटर के बाद उसे धर दबोच लिया गया। पूछताछ में इरफान ने बताया है कि वह अपने साथी मुक्का के साथ मिलकर कचरा चुनने वालों से पानी की खाली बोतलें खरीदते हैं, फिर इसमें नल, कुएं या हैंड पंप का पानी अशुद्ध तरीके से भरकर ढक्कन लगाकर इसे सील से बंद कर देते थे। फिर दोनों आउटर में खड़े होने वाली ट्रेनों में 15 से 20 रुपए प्रति बोतलें बेचते हैं। इस धंधे में मुक्का भी उसके साथ काम करता है। इससे पहले पीआई मीना ने ही मुक्का को ट्रेन से प्याज करने के मामले में गिरफ्तार किया था। जमानत पर छूटने के बाद वह दोबारा इस धंधे में लग गया। शहर पुलिस के विभिन्न थानों में भी उस पर चोरी समेत अन्य कई मामले दर्ज है। दोनों पर रेलवे एक्ट की धारा 153, 147, 144 और 145 व 146 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई सीनियर डीएसपी पांडे के मार्गदर्शन में पीआई मीना, एपीआई विजयपाल सिंह, एएसआई अमित कुमार, मोहनलाल देवांगन, रामनिवास मीना ने की है। आगे की जांच जारी है। दिनांक 23/5/2023 को दोपहर के समय आरपीएफ ड्यूटी स्टाफ के साथ में यार्ड और अपने स्टेशन परिसर दोनों तरफ के यार्ड में गश्त कर रहा था। गश्त के दौरान मोमिनपुरा एरिया में गश्त करते थे, उस समय पाया कि शिव जी का जो मंदिर है जो रेलवे लाइन के किनारे बना हुआ है उसके पास बड़ी बड़ी झाड़ियाँ है। झाड़ियों में कुछ 2 नीले कलर के बड़े ड्रम दिखाई दिए, जिसको देखकर हम ड्रम के पास पहुँचे तो ड्रम में अंदर देखने पर पाया कि उसमें कुछ पानी की बोतल से भरी हुई है और नीचे प्लास्टिक के जो पानी की बोतल को सील बंद करने के लिए ढक्कन यूज लिया जाता है, वो ढक्कन पड़े हुए थे और आसपास से उसको बेचने में यूज करने के लिए बाल्टी, झोला, इस तरीके के और भी सामान थे, कुछ खाली बोतल पड़ी हुई थी। तो हमने उसको देखने पर थोड़ा सा लगा कि अलग अलग कंपनियों की बोतल थी, इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद ये बोतल खाली बोतलों को इसमें पानी भरकर ये यात्रियों को बेचते होंगे। उसी दौरान हम आगे और सर्च कर रहे थे, इसी दौरान एक व्यक्ति, उसका नाम इरफान असलम कुरैशी, उम्र 22 वर्ष, रहने वाला मोतीबाग का, वो ड्रम के पास आया और ड्रम को नीचे गिराकर बोतलों को खाली किया और ड्रम को उठाकर भागने लगा, जिसका पीछा करते हुए हमने मोमिनपुरा की तरफ से मोतीबाग की तरफ पीछा करते हुए रेलवे फाटक के पास से उसको पकड़ दबोचा। उस दौरान उससे लाकर पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अन्य जो भी कचरा चुनने वाले रहते हैं उनके पास से बोतल परचेज करते हैं और बाजार से ढक्कन परचेज करते हैं और रेलवे एरिया में जो झाड़ियाँ वहाँ छुपा के रखते हैं कहीं से भी उसमें पानी इकट्ठा करके और उसमें पानी की बोतल भर के और उसमें ऐसा लेबल लगाते हैं जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो सीलबंद बोतल है और यार्ड में जब गाड़ी रुकती है तो उसमें 15 से 20 रुपए पर बोतल वो यात्रियों को बेच देते हैं। तो इस तरह से वो गंदा पानी यात्रियों को बेचते हैं जिससे कि यात्रियों की सुरक्षा को एक तरह से खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। नहीं, इसमें अभी जो इरफान कुरैशी पकड़ा गया उसने बताया कि इसके साथ एक दूसरा आरोपी नाम शाहरुख और मौका है, जो पहले भी उसको हमने रेलवे संपत्ति की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था और अभी वो फरार है, उसको अभी पकड़ना शेष है। अभी पूछताछ में तो इसने 2 दिन बताया है। रेलवे यात्रियों से अनुरोध है कि जब भी वो सफ़र के दौरान कोई भी खान पान की वस्तु खरीदते हैं तो लाइसेंस धारक
वेंडर से ही प्राप्त करें और हो सके तो उससे बिल प्राप्त करें, जिससे कि कोई भी इस तरह का अवैध वेंडर और गलत उनको कोई सामान ना बेच सके। और अगर उनको फिर भी कोई शिकायत पाई जाती है तो 139 हेल्पलाइन नंबर, आरपीएफ को भी कॉल कर सकते हैं, रेलवे को भी रेल मदद पे अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। और इस तरह से यात्री संरक्षण के किसी भी शिकायत पाई जाने पर आरपीएफ को जरूर अवगत कराएं, जिससे कि ऐसे अवैध वेंडरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा सके। एनबीसी न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट। एनरोल नाउ फॉर मोर डिटेल्स कॉल